सब तो पहले फतेह दी सांझ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हुण असीं जा रहे हैं गुरुद्वारा कड़ा साहब, जिहड़ा कि पेवा तो तकरीबन 15-16 किलोमीटर की दूरी पर हैगा। तो उत्थे जाके आप जी नूं गुरु नानक देव जी की ते नाल चार पातशाहां दी चरण छोह प्राप्त उस स्थान के दर्शन करावांगे। तो आओ तुसीं भी साढ़े नाल गुरुद्वारा कड़ा साहब के दर्शन करो। पानी रावी दा गवाही दिंदा आ किन्ना सिद्क सेवा विच बल पिया, लै नाल पाई मरदाना बाबा करण उदासी चल पिया, लै नाल पाई मरदाना बाबा करण उदासी चल पिया, लै लाल पाई। गुरुद्वारा करा साहब जिन्हों गुरुद्वारा त्रिवेणी साहब के नाम तो भी जाणिया जाता है, पिहोवा नाँ दे एक छोटे जिहे पिंड विच इह सोहणा जिहा गुरद्वारा जिन्हों चार गुरुआं की चरण छोह प्राप्त है। तहसील इस स्थान की पिहोवा पैंदी है ते डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र विच इह स्थान आंदा है, जिहड़ा कि दिल्ली तो तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जिन्हों पुजण विच 4 घंटे का समय लगता है। नालो नालो रबाब सुनावे बाणी नूं, जेड़ा धर्म करम दा पक्का रिया सजदा करिए उस हाणी चलते गए। इस स्थान ते सब तो पहली बार गुरु नानक देव जी आए सी, उस तो उपरांत गुरु हरगोबिंद साहिब जी, गुरु तेग बहादुर साहिब जी ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी नूं भी इस स्थान की चरण छोह प्राप्त है। इस स्थान का चार गुरुआं का इतिहास है, अंदर जाके आप जी नूं स्थान के दर्शन कराने हैगे आ, ते इत्थे दा इतिहास ग्रंथी साहब तो भी पुछने आ, वो आप जी नूं इत्थे दे पूरे इतिहास नाल अवगत कराणगे। नाल पाई मरदाना बाबा करण उदासी चल पिया, लै नाल पाई मरदाना बाबा करण उदासी चल पिया, लै नाल पाई मरदाना बाबा करण उदासी चल पिया। स्थान दे आप दर्शन कर रहे हो, इस स्थान ते गुरु नानक देव जी महाराज जी दा जो इतिहास है वो इस तरह है कि 1516 ईस्वी दे दौरान पहले प्रचार दौरान धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी इस स्थान ते पहुँचे। इस स्थान ते चतुर पंडित सी, इस पिंड विच रहिंदा सी, उस चतुर पंडित ने धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं ज्ञान चर्चा करन वास्ते कहा। गुरु पातशाह जी ने उस चतुर पंडित दा हंकार तोड़न लई उहदे नाल ज्ञान चर्चा कीती ते उस पंडित दा हंकार तोड़िया ते उस पंडित नूं अपना जिहड़ा उहदा ज्ञान सी उदे ज्ञान तो दस्या कि लोकाई दी भलाई वास्ते अपना ज्ञान वरत, ना कि तू इस नूं लोकां नूं भरम दे विच पा। इस तरह गुरु नानक पातशाह जी ने इस अस्थान ते चरण पा के इस पावन अस्थान धरती नूं पाग लाई। इस स्थान ते दूरों दूरों संगतां दर्शनां लई आउंदियां हन ते इस स्थान ते जो भी मनोकामनावां लै के आउंदियां हन संगतां दीआं मनोकामनावां संपूर्ण हुंदियां हन। मनोकामनावां संपूर्ण होण ते संगतां वल्लों श्री अखंड पाठ साहिब करवाए जांदे हन। सो इन्नियां कु बेनतियां प्रवान करनियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रख मेरे ते निगा। ग्रंथी साहब तो इस जगह का इतिहास समझण तो बाद जिहड़ी चीज़ समझ आई वो यह सीगी कि गुरु नानक देव जी का इतिहास इत्थे बड़ा ही संक्षिप्त है। वो खाली इन्ना ही पता लगता है कि गुरु नानक देव जी जिस वक्त इस स्थान पर अपनी उदासी वेले आए तो इत्थे एक पंडित जिहड़ा कि अंकारिया हुआ सी उसनू उन्होंने ज्ञान दिता। चार गुरुआं दी चरण छोह प्राप्त इस स्थान दे उत्ते इतिहासिक प्रमाण सिर्फ इको ही मिलता है, जिहड़ा कि मेरे पिछे आप जी दर्शन कर रहे हैगे हो। यह वो उमली दा दरख्त है जिहड़ा कि सुक चुकिया है, जिहनू कि इस वक्त शीशे दे एक छोटे कमरे दे विच कवर करके रख्या हुआ है, प्रिजर्व करके रख्या हुआ हैगा। इतिहासकार दसदे ने यह वो इमली दा दरख्त है जिस वक्त
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इत्थे आए सी ते घोड़े ते सवार इस दरख्त दे थले ओ कुछ समय वास्ते रुके सी। ना करे मेरी बाबा नानका झड़ी ना करे मेरी बाबा नानका। सतगुरु नानक गुरुद्वारा करा साहब के दर्शन करने तो उपरांत हुण तैयारी है एक होर नवे स्थान ते जाण दी। कल आप एक नवे एपीसोड च एक नवे स्थान के दर्शन करोगे, तद तक सानू आग्या दिओ ते देखते रहो साड़ी स्पिरिचुअल जर्नी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरबत दा मगना बाबा तू सिखाया है, भोली भटकी दुनिया नू रात।